कलि युग में बहुत गभी कठिन तपस्या संभव है, क्योंकि वो युग ही अलग हो गया। इधर कम से कम इतना तो तपस्या किया जाए कि एक शंखापूर्वक भगवान का नाम जपा, शंखापूर्वक नाम गान नी, जैसे गोस्वामी लोग कहते थे वृंदावन में हमको सिखाने के लिए कि एक शंखा जरूर पूर्ण करते। तो बड़े बड़े आचार्य लोग जैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जब, जो 3 लाख और 3 हजार ये तो संभव है नहीं, तो इसलिए कम से कम एक संख्या निर्दिष्ट करना चाहिए। तो हम लोग निर्दिष्ट कर दिया कि 16 फेर नाम जपा, जिसमें 25 हजार नाम हो, ये 2 घंटा में हो सकता है। इतना हम लोग काम करते हैं और 2 घंटा हम लोग तपस्या नहीं करते, अभी करेंगे तो बड़ा मुश्किल। बैठ तो ये तपस्या जरूर करनी चाहिए। हम लोग तपस्या के लिए हमारा जितने शिष्य है उनको बता दिया, तो इतना ही तपस्या करो कि 16 फेर नाम जपा करो और श्रिया सुना था पान भूत 4 चीज छोड़ दो, यानी अवैध स्त्री सब, अवैध पुरुष। आजकल का स्त्री पुरुष का जब विचार नहीं होता है तो वो नहीं होना चाहिए। विवाहित होकर के स्त्री पुरुष अच्छी तरह से रहो, वो शास्त्र सम्मत जो है स्त्री पुरुष का मिलन वो ठीक, और बिना शास्त्र का जो स्त्री पुरुष का मिलन है वो पाप, उसको नहीं करो। और जीव हिंसा वृथा, पशु को मार करके खाना, ये कसाई से मांस ले आकर खाना, तो महापाप है। तुम्हारे लिए भगवान इतना चीज बनाया है प्रसाद, पत्रम पुष्पम फलम हजारों किस्म का, तुम मनुष्य आए तुम उसको खाओ भगवान का प्रसाद, तुम मांस इधर सब कदज, ये सब बहुत खराब चीज, इसको क्यों खाओ? ये तपस्या है, ये अवैध स्त्री संग करना ये पाप है, इसको छोड़ देना चाहिए, और मांस आदि भक्षण ये छोड़ देना चाहिए, और नशा छोड़ देना चाहिए, और ज्ञान भी, ये सब चीज छोड़ने की तपस्या तपो विद्वत, इसमें भगवत भक्ति लाभ होगी। इसी दिन देखिए उसको प्रमाण स्वरूप, ये सब चीज में सब यूरोप में नगर फंसे थे, अब ये सब छोड़ दिया और इसमें भगवत भक्ति हो रही है, ये तपस्या है। 4 चीज छोड़ दे और भगवान का नाम, इतने जो सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कि तपो दिव्यम, दिव्यम क्यों ये तपस्या किया जाए ना, जिसमें भगवान को प्राप्त कर सकते, और वही असल उद्देश्य, और भगवान को वही प्राप्त कर सकेंगे जो कि बिल्कुल शुद्ध हो गया तपस्या, नहीं तो नहीं मिल सकेगा। जीशाम अंतगत पापम जनानां शून्य कर्माणा ते दंड महो निर्मुक्त भजंती मांग दुर्ग, भगवत भजन निर्वृत होकर के ऋषि जीवन में भगवत भजन करके हम भगवान को प्राप्त करेंगे, व्यक्ति हो तो उसके लिए थोड़ा तपस्या कीजिए। केवल कुत्ता भेड़ी के ऐसे खाना पीना मजा करना और रमफम झमपन करना, उसमें तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति का शासन में है। प्रकृति क्यों माना नहीं, लंपन झंपन करने से लाभ क्या होगा? वो कुत्ते का ऐसा ही से लंपन झंपन होगा, उसमें लाभ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम प्रकृति का शासन में। तो जैसा दुर्गा देवी वो महिषासुर को शासन कर रहे हैं, तो बहुत लंपन झंपन किया, आखिरी में दुर्गा देवी उसको नाश कर। तो इसी प्रकार दुर्गा देवी छोड़ेगा नहीं किसी को, ये नहीं समझो जी वो असुर का केवल शासन किया था हमको नहीं करेंगे, ये भूल है। जो असुर होगा, असुर का अर्थ क्या होगा, जो भगवान का मानता है वो असुर, जो असुर होगा दुर्गा देवी उसको खत्म कर देगा, ये समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य जी उन्हें तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम, दिव्यम दिव्यम दैव दिव्यम भगवान के लिए। तो कलि गुरु सरल है भगवान को प्राप्त करने के लिए,
जैसा पतित है हम लोग ऐसे ही भगवान कृपा करके सरल उपाय भी बताते हैं। कोई जो वन में जंगल में जाकर के तपस्या करने को नहीं होगा, आप जहां हैं वहीं रहिए, स्थाने स्थिता श्रुति गतानुमान मनो भी अपना स्थान में रहिए, कोई गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेने पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है, केवल सुनिए भगवान की बात। इसलिए हम लोग सेंटर खोलते हैं कि आप लोग कृपा करके आएंगे और ये भगवत गीता भगवत को सुनिएगा, सुनते 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 सवर्णम कीर्तन कृष्ण फिर चित्त दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा, आस्ते आस्ते सत्य मत हो जाएगा। यही हम लोग का आप लोग से निवेदन है, जो इधर आइए और जहां तक है सुनिए, और नहीं तो घर में ही सुनिए, सुनिए जो भगवद गीता जैसे बताए हैं और उसका अनशन अर्थ करके सबको सर्वनाश न कीजिए, उपकार कीजिए। भगवान जो बोला है वो सब ठीक है, उसमें इधर उधर बात करके आदमी को भड़काना ये उचित, ये महापापी होते हैं जो इंटरप्रिटेशन करके अपना भी सर्वनाश करते हैं दूसरे का भी करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। जैसा भगवत, इसलिए हम लोग भगवद गीता एज इट इज नो इंटरप्रिटेशन, जैसे भगवान बताया है मन मना भगव मन, बस भगवान बोलता है सब सुना हमारा चिंतन करो, बस हम लोग बोलते हैं करो चिंतन, हमको इनसे इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, ये महामूर्खता, ये सब छोड़ दीजिए बदमाशी, और जैसे भगवान बताते हैं ऐसे कीजिए तो आपका जीवन सफल होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।